चलते लगातार रामायण के किरदार लाइमलाइट में बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक ओर कोरोना वायरस की दहशत के बीच फिर से रामानंद सागर की रामायण का टेलीकास्ट किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रामायण का हर एक किरदार इतना मशहूर हो गया है कि सोशल मीडिया पर इनके मीम्स भी बन रहे हैं। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण की एक और मशहूर एक्ट्रेस के बारे में, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए सभी को अपना दीवाना भी बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम रामायण के एक ऐसे किरदार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने सीता का साथ दिया था। रामायण से जुड़े हुए ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में जब भी लोग जानते हैं तो हैरान भी रह जाते हैं और वहीं दिलचस्पी भी लेते हैं। दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ दी है रामायण के हर एक किरदार ने, चाहे वह किरदार शो में लंबा हो या फिर उसके कुछ सीन्स ही हों, यानी कि कुछ सीन्स में ही सिमट कर रह जाते हैं। कुछ ऐसे किरदार भी हैं, उसी लिस्ट में नाम आता है एक और ऐसी किरदार का जिनका नाम है त्रिजटा। जी हाँ, आपको बता दें त्रिजटा का रोल आखिरकार इस सीरियल में किसने अदा किया था और इनका आयुष्मान खुराना के साथ क्या है खास कनेक्शन? जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि त्रिजटा एक राक्षसी थी। ये वो राक्षसी थी जिन्होंने माता सीता का उस वक्त ध्यान रखा था जब रावण उनका हरण करके अशोक वाटिका में ले गए थे। त्रिजटा का जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनके अंदर ममता कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्होंने सीता जी के दुख को बांटा भी और उनका साथ भी दिया और उनका ख्याल भी रखती थी। बता दें आपको, त्रिजटा का रोल जिस एक्ट्रेस ने अदा किया था वो कोई और नहीं बल्कि आयुष्मान खुराना की सास हैं। जी हाँ, इनका नाम है अनिता कश्यप और आयुष्मान खुराना के साथ इनका बेहद ही खास रिश्ता है। अनिता कश्यप मशहूर राइटर ताहिरा कश्यप की माँ हैं। अनिता अब लाइमलाइट से दूरी बनाई हुई रहती हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और लगातार इन तस्वीरों को शेयर करती हुई भी नजर आती हैं। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी माँ इस सीरियल में नजर आ चुकी हैं और इसके जरिए काफी लाइमलाइट में बनी हुई हैं आयुष्मान खुराना की सास। वेल दोस्तों, आपको कैसा लगा आयुष्मान खुराना और उनकी सास यानी कि अनिता कश्यप के बारे में जानने के बाद, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे रामायण के ऐसे ही किसी फेमस किरदार के बारे में बताने के लिए।